हम लोग रिवाइज करते हैं। हमने बात करी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि एमपी को हटाने के लिए क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। तो आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा हुआ है, और शेड्यूल 10 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जो है वो शामिल किया गया, तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्राउंड्स के बारे में कि किस किस ग्राउंड के आधार पर एक पर्टिकुलर एमपी को जो है वो निकाला जाता है, राइट। तो ये तीन ग्राउंड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि तीन, आप कह सकते हो कि तीन मेजर एरियाज हैं कि जहां पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किस प्रकार से जो है वो एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 102 से। तो ये कहता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोई भी एमपी जो है वो अलग से किसी और डिपार्टमेंट में जो है वो पोस्टेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो उस डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा अपने बेनिफिट के लिए। सेकेंडली, अगर कोर्ट ने डिक्लेयर किया, न्यायालय ने डिक्लेयर किया कि वो व्यक्ति जो है वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब कि उसका सरफिरा दिमाग है कि वो जो है वो इस पर्टिकुलर जो पोस्ट है उस पर जस्टिस नहीं करेगा, राइट, तो इसलिए उसको हटा दिया जाएगा। फिर अगर किसी व्यक्ति ने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप हासिल कर ली तो हम उसको बोलेंगे चल भाई वहीं पे रह, इंडियन सिटीजन अगर जो व्यक्ति नहीं है उसको तो पहली फुर्सत में निकाल दिया जाएगा कि जो इंडियन नहीं है तो वो इंडियन लोगों के लिए भी डिसीजन नहीं लेगा। सेकेंडली, कोई भी पार्लियामेंट अगर कानून बनाती है डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उस कानून के तहत जो है वो सामने वाले एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब एक चीज ध्यान में रखना, डिस्क्वालिफिकेशन में जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं उनका डिसीजन जो होता है फाइनल होता है, यानी कि किसी भी अगर एमपी को निकालना है तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट से जो है वो पहले चर्चा की जाती है, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और फिर एक एमपी को जो है वो निकाला जाता है, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होता है वो फुल एंड फाइनल माना जाता है। तो ये चीज लिखी हुई है आर्टिकल 102 के अंदर। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर भी कुछ चीजें हैं। इसमें यह बताया गया कि अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको 2 या उससे ज्यादा साल की सजा हुई है, जेल हुई है, तो उस व्यक्ति को जो है वो हटा दिया जाएगा। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करप्ट है, अब ये कोई नई बात तो नहीं है, बट क्यों नहीं हटा रहे पता नहीं, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर करप्ट है या फिर इलेक्टोरल ऑफेंस करता है, इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन के समय पर कुछ हेराफेरी करता है, धांधलेबाजी करता है, तो उसको जो है वो निकाल दिया जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर एमपी जो है वो नफरत को फैला रहा है, एनिमिटी को जो है वो फैला रहा है, तो उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, राइट। और उसने इलेक्शन में कितना खर्चा किया है उसके बारे में अगर उसने बताया नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो उसको डिस्क्वालीफाई है वो कर दिया जाएगा। अब 10th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या कहता है, और 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से रिलेटेड है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति जिस पार्टी से उसको टिकट मिली और वो इलेक्ट हुआ है, यानी कि होता है ना कि पार्टी टिकट देती है किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को किसी पार्टी ने टिकट दी और वो खड़ा हुआ और वो जीत गया, उसके बाद वो उस पार्टी से अपनी मेंबरशिप हटा लेता है, बोलता है कि नहीं मुझे इस पार्टी का जो है वो सदस्य नहीं बनना, तो उसको निकाल दिया जाएगा। बोलेगा कि तुम्हें सदस्य नहीं बनना ना, तो भाड़ ले जाओ, तुम इस पार्टी के सहारे जीत गए हो, इस पार्टी के बल पे, और उसके बाद तुम निकल के दूसरी पार्टी में जा रहे हो, ये क्या बात हुई, निकलो, उसको हटा दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसको हटा दिया जाएगा कि भाई ये क्या बात हुई, आप इस पार्टी से खड़े हो और आप दूसरी पार्टी में चले गए। अगर कोई व्यक्ति विप के अगेंस्ट वोट डालता है, अब विप क्या होता है, विप ये मान के चलो जैसे क्लास का मॉनिटर होता है ना, वैसी पार्टी का विप होता है, ये एक से ज्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं, ये चेक करते हैं, देखते हैं कि सभी सदस्य जो है वो पार्टी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टी ने बोला कि हाँ भाई आप सभी लोगों को इस दिन आना है और इस दिन आकर बिल को पास करवाना है, अब उसमें से एक सदस्य जो है वो गायब हो गया जानबूझकर, बिना बताए, बिना किसी वैलिड रीजन के, तो ऐसे व्यक्तियों को भी हटा दिया जाएगा कि वो विप के अगेंस्ट जो है वो वोट डाल रहा है, राइट। क्योंकि आप एक पार्टी के तौर पर ज्वाइंड हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक सिंगल थीम, सिंगल डायरेक्शन पर काम करना है, ग्रुप आपने जब बनाया है तो सभी ग्रुप के सभी सदस्य जो है वो कोऑर्डिनेट कोऑपरेट करके काम करें, तो वो तो बहुत जरूरी है, और वो नहीं करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि निकाल दिए जाओगे। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, आपको पता है ना कि जैसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियंस को, वाला क्लॉज तो हालांकि खत्म हो गया, फिर इसके अलावा राज्यसभा के अंदर आर्ट, लिटरेचर, राइट, और कौन सा, सोशल सर्विस और साइंस की फील्ड से जो लोगों को चुना जाता है, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के बाद ज्वाइन कर लेता है तो उसको भगा दिया जाएगा। उसको बोला जाएगा कि नहीं भाई हमने तुम्हें नॉमिनेट किया तुम्हारी क्वालिटी को देखकर, तुम तो पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ने लगे, ये क्या बात हुई, राइट, तो निकाल देंगे। फिर अच्छा आपको एक चीज ये समझ में आ रही है कि कोई व्यक्ति
ज्वाइन होने के बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो क्यों निकाला जा रहा है? देखो अल्टीमेटली हाउस के अंदर आपको पता है कि सरकार किसकी बनती है, हाउस के अंदर सरकार बनती है मेजोरिटी की, और मेजोरिटी कहां से आती है कि किस पर्टिकुलर पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, राइट? तो इस प्रकार से सीटें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं करोड़ों में। तो ऐसी चीजें ना हो इसलिए ये प्रोविजन जो है वो लाया गया, पता है ना वाली बात सभी को? तो ये चीज है कि हाउस के अंदर मेजोरिटी में अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई वो क्या कर रहा है, वो तो हरकत कर रहा है, वो तो बेसिकली पैसा खा के जो है वो दूसरी तरफ चला गया। इसने अन्याय किया किन के साथ? लोगों के साथ, जनता के साथ, क्योंकि जनता ने तो उसको जो है वो चूज किया क्या देख कर, यार ये तो इस फलाना पार्टी का या ये निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट है, और बनने के बाद पावर में आने के बाद आपने तो रंग रूप चेंज कर दिया अपना, ये क्या बात हुई भाई? तुम पावर में आ रहे हो उसके रंग रूप चेंज कर दे रहे, ये क्या है? तो ये चीज गलत मानी जाती है, इसलिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति जो है वो निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पर इलेक्ट हुआ, फिर बाद में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो बोलेंगे भागो यहां से। अच्छा, इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, यानी कि एग्जेम्प्ट किया हुआ है कुछ चीजों को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसके टू थर्ड मेंबर्स के आसपास जो है वो अगर शिफ्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, या दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में मर्ज हो जाती है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, तो उसमें ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने डिटेल में कवर किया, बाकी आपके नोट्स पे पूरी चीज ऑलरेडी है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर अच्छे से हो रहा है ना पूरे टॉपिक? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपके समझ में ना आ रही हो?